जितने भी आविष्कारी हैं, भीतर की आवाज उन्हें गाइड करती है। और अगर मनुष्य से भीतर की आवाज हटा तो क्या हुए, हम तो रोबोट हुए। रोबोट का मतलब क्या है, जो भीतर से नहीं चलता, जिसको बाहर से गाइडेंस देनी पड़ती। और वो सोसाइटी क्या, जिसके भीतर के आत्मविश्वास को खत्म कर दिया, वो रोबोटिक हो जाएगी। उसको कोई भी गाइडेंस दे दो, वो तो भीड़ है, कठपुतली है, कहीं भी चला दो। और अगर बार बार एक व्यक्ति को बताओगे तुम सही नहीं, तो सबसे पहले वो अपने कल्चर को छोड़ देगा। और जब हम अपने कल्चर को छोड़ देते हैं, जब हम अपने धर्म को छोड़ देते हैं, तो हमें दो दोष लगते हैं, देव दोष और पितृ दोष। जब हम अपने भगवान को छोड़ देते हैं, अपने मार्ग को छोड़ देते हैं, अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं, तब हमें ये दो दोष लगते हैं। और जब ये दो दोष लगते हैं, तब सबसे ज्यादा कष्ट और पीड़ा उत्पन्न होती है। और यही आप देख रहे हो चारों तरफ। हम इतने सुकूनदाय समय पर जीवित है, लेकिन फिर भी किसी को चैन नहीं है। हमारे पास गाड़ी है, सेल फोन है, खाना है, कंप्यूटर है, लेकिन शांति नहीं है। क्योंकि शांति केवल हमें हमारी जड़ें दे सकती है। शांति केवल हमें तब मिल सकती है अगर हम अपने भीतर के अनंत से जुड़े हों।